व्यूअर जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहाँ पर कुछ भी मांगने पर वो एकदम सच हो जाएगा। लेकिन ये चीजें कितनी ज्यादा डरावनी और भयानक हो सकती हैं, इसका तो अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। कहानी की शुरुआत में हमें जेन और मैट नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं। वो दोनों अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। जेन और मैट सारा सामान अपने नए घर में ट्रांसफर करते रहते हैं। मैट एक लोकल पेंटर था जो अपनी पेंटिंग बेचकर पैसे कमाता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब वो दोनों घर की साफ सफाई करते ही रहते हैं। तभी मैट को दीवार पर एक अजीब तरीके का निशान दिखाई दिया था, जैसे लग रहा था कि दीवार के उस पार भी कुछ तो है। इसीलिए अब जेन और मैट चाबी लगाकर दीवार के उस पार चले गए थे। वो जगह तो पूरी की पूरी वायर से भरी हुई थी। मैट और जेन तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये जगह है क्या। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट बंद चालू होने लगती है और अब एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम खराब हो चुका था। थोड़ी देर बाद मैट इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए चला जाता है। इलेक्ट्रिशियन आकर उस पूरे कमरे को चेक कर रहा था। वो पूरा कमरा तो अजीब तरीके की वायर से भरा पड़ा होता है। साथ ही साथ वो रूम थोड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि दीवार पर अजीब तरीके के डरावने स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। बहुत ज्यादा देखने के बाद भी वो इलेक्ट्रिशियन उसे ठीक नहीं कर पाता और अब वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिशियन ने मैट को एक बात बताई थी। दरअसल इस घर में सबसे पहले जो लोग रहा करते थे, उनका अचानक से एक दिन मर्डर हो गया था और तब से इस घर को कोई भी नहीं लेता। मैट को अब सारी बातें समझ में आने लगी थी और यही रीजन होता है कि मैट को ये घर बहुत ही कम पैसे में मिल गया था। अब मैट कैसे भी करके इस बात का पता लगाना चाहता था कि वो मर्डर किसका हुआ था। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मैट को एक न्यूज मिली जाती है। दरअसल आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक कपल रहा करता था, जिसे कि एक अनजान आदमी ने बुरी तरीके से मार दिया होता है। हालांकि उस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए उसे जेल में से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था और तब से वो वहीं पर सजा काट रहा है। अब मैट उसी अनजान रूम में जाकर अपनी कुछ पेंटिंग्स बना रहा था। साथ ही साथ वो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, इसीलिए मैट रूम में बैठकर थोड़ी ड्रिंक्स भी पीता है। अब पूरे एक घंटे बीत गए थे। मैट की ड्रिंक तो खत्म हो गई थी, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि उसके पास एक और ड्रिंक की बॉटल हो। और तभी रूम की लाइट्स बंद चालू होने लगती है। थोड़ी देर बाद जब मैट ने अपने सामने देखा तो उसके पास ड्रिंक की एक और बॉटल रखी हुई थी। मैट ये देखकर एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता कि ये बॉटल आई कहाँ से। लेकिन उसे ये बात का अंदाजा हो गया था कि ये रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं है। अब अगले दिन जब जीन मैट को ढूंढते हुए उसी कमरे में आती है, तब वो उस कमरे में पूरी जगह पर एक्सपेंसिव पेंटिंग्स देती है। दरअसल मैट ने रूम के अंदर बैठकर विशेष मांग मांग के उसे एक्सपेंसिव पेंटिंग से भर दिया था। और अब वो जेन को भी सारी बातें बताता है कि ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है, अगर तुम इस रूम में कोई भी विशेष मांगो तो वो रियल हो जाएगी। हालांकि पहले जेन मैट की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन ट्राई करने के लिए जेन ने $1000 मांग लिए थे। और अब फिर से लाइट्स बंद चालू होने लगती है। इसके बाद जेन की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसके पास $1000 होते हैं। और अब ये सच पता चलने के बाद वो दोनों अलग अलग चीजें मांगने लगे थे। वो लोग पैसे से लेकर और भी बहुत सारी कीमती चीजें रूम से मांगते हैं। इतने सारे कीमती चीजें होने के बाद उन दोनों ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मजे करते हैं, क्योंकि वो इस रूम की मदद से कोई भी विशेष पूरी कर सकते थे। वो एस्ट्रोनॉट्स की तरह लो ग्रेविटी को भी फील करते हैं और किसी हॉलीवुड मूवी के कपल जैसे इंजॉय भी करते हैं। कुछ दिनों बाद मैट जेन को वापस से अपने बच्चे की प्लानिंग करने के लिए कहता है, लेकिन जेन ने मैट को साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम जेन के दोनों बच्चे पैदा होने से पहले ही उसके पेट में मर चुके थे। और अब जेन वापस से नहीं चाहती थी कि ये फिर से हो। इस बात के लिए उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन यहाँ जेन तो मैट से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। और अब जेन डायरेक्टली उस अनजान कमरे में चली जाती है, जिसमे की वो कुछ विशेष मांगने लगी थी। जब मैट घर पर आता है तो उसने जेन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा देखा। दरअसल जेन ने उस कमरे की मदद से ये बच्चा मांग लिया था। और अब मैट जेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता रहता है, क्योंकि ये बच्चा उनका नहीं था, लेकिन जेन इसे अपना ही बच्चा मानती थी। वो दोनों इस बात पर बहुत ही ज्यादा झगड़ते हैं, इसीलिए अब मैट एकदम गुस्से में बाहर चला गया था। वो डायरेक्टली उसी मेंटल हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर वो कातिल रहता था। मैट ने उस कातिल को अपने बारे में बताया और उससे कुछ पूछताछ करने लगा। तब जाकर वो आदमी मैट को कहता है कि वो उस घर से जल्द निकल जाए। हालांकि इसके बाद वो मैट को कुछ भी नहीं बताता और अब मैट एकदम कंफ्यूज हो गया था। वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराता रहता है, लेकिन जब पैसे देने थे तब मैट अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता रहता है, पर उसकी जेब में कोई भी पैसे मौजूद नहीं थे। वो पैसे तो एकदम से राख में कन्वर्ट हो गए थे। मैट को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। वो तुरंत भागा भागा अपने घर पर आ जाता है और फ्लोर पर पड़े बहुत सारे पैसे बाहर फेंक देता है। पैसे बाहर जाते ही पूरी तरीके से राख में कन्वर्ट हो जा रहे थे। मैट तो अपना डाउट कंफर्म करने के लिए एक पेंटिंग को आधा बाहर रखता है और अब देखते ही देखते पेंटिंग का जो हिस्सा बाहर था वो पूरा राख में कन्वर्ट होकर बर्बाद हो जाता है। मैट समझ चुका था
पाया कि उस रूम में मांगी गई सारी विशेष सिर्फ इस घर के अंदर ही वैलिड है, और अगर उन्हें घर से बाहर लेके आ गया तो वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैट तुरंत उस रूम में जाकर सारी दीवारों को खोदने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी अजीब तरीके के बहुत सारे वायर्स लगे हुए थे। मैट को कुछ नहीं समझता कि वो आगे क्या करे। अब यहाँ जिन अपने छोटे बच्चे को लेकर बाहर जाना चाहती थी, हालांकि मैट को ये बात पता होती है कि अगर उनका बच्चा बाहर गया तो वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों जिन को रोकता नहीं। और अब जिन जैसे ही बच्चे को लेकर बाहर आती है तो वो बच्चा बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा था, उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाती है। मैट घर के अंदर खड़ा ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन उसे बच्चे की आवाज सहन नहीं होती, इसीलिए मैट तुरंत जिन के पास आकर उस बच्चे को घर में ला देता है। लेकिन अब वो बच्चा काफी बड़ा होकर 7 साल का हो गया था। इससे मैट को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कोई भी जिंदा चीज घर से बाहर गई तब उसकी एज बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी और वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। लेकिन अब तो जिन अपने उसी बेटे को पालने लगी थी। जिन को ऐसा लगता ही नहीं कि उसने अपना बेटा विश मांग कर पैदा किया है। वो उसका ख्याल रखती थी और घर से बाहर जाने ही नहीं देती थी। हालांकि उस बच्चे ने कई बार घर से बाहर जाने की जिद की थी, लेकिन जिन उसे ये कहकर शांत कर देती है कि तुम्हें एक बीमारी है और अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें जर्म्स पकड़ लेंगे। अपने बेटे के मिलने के बाद जिन और मैट के बीच दूरियां बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। मैट तो किसी और रूम में ही जाकर रहता था और वहीं जिन हमेशा अपने बेटे के साथ। अब यहाँ एक रात जिन का बेटा उठकर उसी कमरे में चला जाता है जहाँ पर विशेष पूरी होती थी। उसने सारी चीजें देख ली होती है कि वहाँ पर क्या मौजूद था, और अब जिन का बेटा पूरी रात उसी कमरे में बिता देता है। उस रूम की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी, जिससे कि ये पता चलता है कि वो लड़का भी अपनी विशेष मांग रहा है। अगले दिन जब जिन और मैट उसे ढूंढते हुए वही रूम में आते हैं तब वहाँ पर स्नो की एक अलग ही जगह बन गई थी, और ये सारी चीजें जिन के बेटे ने इमेजिन की होती हैं, जिसे कि मैजिकल रूम ने रियल बना दिया। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी जिन अपने बेटे को जरा भी नहीं डांटती, वो तो उल्टा उसके साथ खेलने लगी थी। लेकिन अब मैट को ये सारी चीजें ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो जिन के बेटे को लेकर तुरंत अपने घर में आ जाता है। जिन ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मैट आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है, और अब उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है। तभी अचानक से मैट को एक फोन आता है जो उसी कातिल ने मेंटल हॉस्पिटल से किया था। वो मैट को बता रहा था कि कई सालों पहले उसी घर में एक कपल रहा करता था, उन्होंने भी तुम्हारी तरह मैजिकल रूम से बहुत सारी चीजें मांगी, साथ ही साथ अपना एक बच्चा भी, लेकिन वो अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। तब जाकर उस बच्चे को बाद में पता चला कि उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने मॉम एंड डैड का कत्ल करना पड़ेगा, और उस टाइम बहुत ज्यादा सोचने के बाद लड़के ने अपने मॉम एंड डैड को ही मार दिया। मैट को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वही कातिल था जो मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। और अब वो आदमी मैट को कहता है कि तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही करेगा, और अगर उसे सही सलामत बाहर की दुनिया में जाना है तो उसे तुम दोनों को खत्म करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मैट उसका कॉल रख देता है, लेकिन अब जेन ने भी दूसरे फोन की मदद से ये सारी बातें सुन ली थी। उसे तो इन सारी बातों पर यकीन ही नहीं होता। जेन एकदम फ्रस्ट्रेशन में कार लेकर वहाँ से बाहर चली गई थी। उसे एक टाइम पर कुछ समझ नहीं आता कि उसके लाइफ में हो क्या रहा है। यहाँ घर पर वो लड़का बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे अपनी मॉम जेन के पास जाना था। वो तो सारी चीजें इधर उधर फेंकता रहता है। यहाँ मैट उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और अब मैट उस लड़के को कैसे भी करके घर से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि अगर ये लड़का नहीं रहेगा तो उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हालांकि वो लड़का बहुत ज्यादा रोता रहता है, लेकिन अब मैट डिसीजन ले चुका था कि वो लड़के को बाहर निकाल देगा। लेकिन कहीं न कहीं मैट को उस लड़के पर दया आ जाती है, इसीलिए वो बच्चे को बाहर नहीं निकालता। हालांकि ये लड़का मैट का बेटा नहीं था, लेकिन मैट और जिन ने इसी टाइप का बच्चा इमेजिन किया था कई सालों पहले। और अब मैट उस बच्चे को एक कहानी सुनाता है, जिसके बाद वो दोनों एकदम आराम से बेड पर सो गए थे। कई घंटों के बाद जब जिन घर में आती है तब उसने मैट को अपनी लड़की के साथ सोया हुआ देखा था। जिन को लग रहा था कि मैट ने उनके बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है। जिन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और अब इतने टाइम बाद मैट और जिन की बातचीत होने लगी थी। एक रात जब मैट और जिन प्यार कर रहे होते हैं तभी मैट का बेटा दरवाजा खुलकर थोड़ा सा देख रहा था। उसे ये सारी चीजें देखने के बाद जिन से प्यार हो जाता है, और अब पता नहीं उसके माइंड में कुछ अजीब चीजें चलने लगी थी। अब अगले दिन जब मैट और जिन अपने हॉल में आते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक अनजान आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया था। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जिन का बेटा ही होता है, जो घर से बाहर जाने की वजह से काफी बड़ा हो चुका था। और अब उस आदमी ने जिन और मैट को मारने के लिए उनके ऊपर गन तान दी थी। मैट तो उस आदमी से जाकर डायरेक्टली झगड़ा करने लगता है, और अब इन सारी चीजों में जिन को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब मैट जिन को उठाता है तब उसने कहा कि वो दूसरा आदमी यहाँ से भाग चुका है। वो दोनों अब चैन की सांस लेकर बैठ जाते हैं,
अब ब्रेकफास्ट करते टाइम जीन मैट से बोल रही थी कि वो यहाँ पर नहीं रुकेंगे और यहाँ से चले जाने में ही उनकी भलाई है। लेकिन अब मैट पता नहीं क्यों यहीं पर रहना चाहता था। वो जेन से कहता है कि हम हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगे। जेन को मैट की बातों पर थोड़ा सा शक होने लगता है, लेकिन तभी भी वो तो सिर्फ मैट के साथ रहना चाहती थी। इसके बाद मैट पता नहीं क्यों जीन से जबरदस्ती करने लगा था। वो फिर से जीन के साथ फिजिकल होना चाहता है, लेकिन जीन को मैट का ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मैट को अपने से दूर करते रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जीन को ये बात पता चली कि ये उसका हस्बैंड मैट नहीं है, बल्कि ये तो वही दूसरा आदमी है जिसने मैट का रूप ले लिया है। अब जीन तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी थी। दरअसल उस दूसरे आदमी ने कमरे से विश मांगकर अपना चेहरा मैट जैसा कर लिया था और अब वो जेन के साथ फिजिकल होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रियल मैट अपनी आंखें खोलता है, जो तुरंत उठकर जेन को चारों तरफ ढूंढने लगा था। मैट उस मैजिकल रूम में जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है, लेकिन सारे रास्ते एकदम से बंद हो चुके थे। इसीलिए अब मैट एक दीवार को तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। तब जाकर मैट को ये रियलाइज हुआ कि उस दूसरे आदमी ने घर के अंदर ही एक दूसरा घर बना दिया है और ये सेम टू सेम उन्हीं के घर जैसा था। मैट तुरंत भागते भागते दूसरे घर में पहुंच जाता है और अब यहाँ जेन के सामने दो दो मैट थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि असली वाला मैट कौन है। तभी जेन अपने बेटे को नाम से बुलाती है, जिस पर उसने जेन को रिस्पॉन्ड कर दिया था। जेन समझ जाती है कि ये दूसरा आदमी नकली मैट है, इसीलिए वो उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे देती है। यहाँ रियल मैट और जेन घर से तुरंत भागने के लिए निकल गए थे, लेकिन वो दूसरा आदमी जगह जगह पर सारे रास्ते बंद करते जा रहा था। लेकिन अब जेन और मैट कैसे भी करके उस घर से बाहर निकल जाते हैं। वो तो भागते भागते अपने असली रूम में पहुंच गए थे, पर उनका पीछा वो दूसरा आदमी छोड़ता ही नहीं। इसीलिए मैट ने जेन के साथ उसे हराने के लिए एक प्लान बनाया था, जहाँ पर मैट असली रूम में एक दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है और अब जेन और मैट उस दूसरे आदमी को उकसा रहे थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। वो दूसरा आदमी जैसे ही मैट के ऊपर हमला करता है, मैट उसे लेकर तुरंत दरवाजे से बाहर चले गया था और वहीं जेन जो घर के अंदर मौजूद थी वो तुरंत ही दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और अब वो आदमी बाहर जाने की वजह से एकदम से जलने लगा था। उसकी एज तो कुछ सेकंड्स में ही काफी बढ़ गई थी और अब वो थोड़ी देर में ही पूरा बूढ़ा बन जाता है। देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी राख में कन्वर्ट हो गई थी और अब जेन और मैट चैन की सांस लेते हैं। उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो आज के बाद इस घर में कभी नहीं रहेंगे, इसीलिए अब वो दोनों उस घर को छोड़कर एक होटल में जाकर रहने लगे थे। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको रियल लाइफ में ऐसा मैजिकल कमरा मिलेगा तो आप उससे कौन से विश मांगोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।